जरा इसको रख दो, क्यों ये नहीं चाहिए ना, ब्रेक है तो। I'll never tell, never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing, no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before. And I'm missing you so bad. Gone away, I'm up to more. Every show तो हेलो, सबसे पहली बात हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ ये विश करने में, बट हैप्पी न्यू ईयर। सो आज डेट है 4th of January और ये न्यू ईयर का दिन जो 1st January था वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, बिकॉज उस दिन हमारी KTM Duke 390 हमारी जन्नत बन के आई थी और एकदम कंप्लीट जो वो बनी थी एकदम सही वाली, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस दिन। क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद थोड़ा सा कम चलाया गया, फिर जब मैं नेटिव प्लेस में गया था तो 2 महीना हम बाहर रहे थे, 2 महीना थे, 2 महीना गाड़ी चली नहीं, उसके बाद तक गाड़ी की हालात थोड़ी सी नॉर्मल थी। बट अभी शी इज़ फाइन कम्प्लीटली, जो काम हुआ है एकदम फिनिशिंग और बराबर से हुआ है, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट। सो अब इंट्रोडक्शन, व्हाट्स अप पीपल, दिस इज आनंद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी व्लॉग्स। तो सभी को पहले बात हैप्पी न्यू ईयर, और ये न्यू ईयर खास है आज का दिन, बिकॉज दो चीज़ मेरी बहुत अच्छी हुई है स्टार्टिंग के न्यू ईयर में, एक ही चीज़ अच्छी हुई है, जो है मेरी गाड़ी ड्यूक 390 जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो बहुत कम्प्लीटली अच्छे से बन के आ चुकी है। उसके पहले हम बात करने वाले एक और दूसरी वाली गाड़ी KTM Duke 200। इस काफ़ी वाले पहले वीडियोज़ में मैं चलती थी, बट बाइक कुछ टाइम से हमने बाइक पे वीडियोज़ बनाना बंद कर दिए, तो बाइक उतनी आ नहीं रही थी। इसमें स्टिकर चेंज हुआ है, जो पहली थी वो अलग थी, तो इसको आज हो गए हैं टुडे इज़ जनवरी 3 और इसको आज हो गए हैं चार साल हो गए हैं। और मैं इसकी बात करने वाला था कि ये जब से है तब से मैं इसके साथ हूँ और मैंने इस पर शायद अच्छे से बाइक चलाना सीखा रहेगा। सबसे अच्छी बात इसके न्यू टायर्स आप देख सकते हो, यहाँ पे मिशलिन के हैं जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। नया इसमें मैकफिल लगा है आगे दोनों, जो काफ़ी ज़्यादा इसके लुक एनहांस कर रहा है। और तो इसमें आगे के हमने स्टिकर चेंज किए, जो ना ही कोई KTM में अवेलेबल थी, पहले भी इसका जो पहले वाला लुक था उसमें भी चेंज हुए थे, बट ये न्यू है तो इसकी बस बात ही कर। तो इस बाइक के साथ मुझे यही कुछ बात करनी थी, इसकी 4 साल हो गए और इस 4 साल में मैं बेट करता हूँ उसे कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये 4 साल हो गए, क्योंकि जो इंजन वर्क काम हर एक चीज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टॉप टू डाउन फर्स्ट क्लास है। चलाने के बाद कोई नहीं बोल पाएगा इसको 4 साल, और लुक वाइज भी कोई नहीं बोल पाएगा क्योंकि उतना हाई मेंटेनेंस रखना पड़ता है। मैं पहले भी वीडियोस में बोला हूँ कि बाइक को संभाल के रखोगे तो ही बाइक आपके साथ रहेगी, वरना वो नहीं रहेगी, कोई भी पहचान जाएगा कि आप उसकी केयर करते हो कि नहीं करते हो। और अब अपने वाले की बात करेंगे, आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही होगी आई नो, बिकॉज आजू बाजू से बाइकें जा रही है, कार जा रही है। बाइक की बात करेंगे हम, इसमें चेंजेस हुई है जैसे कि मैंने बोला कि इसमें हमें बन के आई है ये इस साल के न्यू ईयर पे। तो पहले इसकी पॉइंट बता देते क्या क्या चेंज है और कितना खर्चा इसमें लगा है। की सेटिंग हुई है, जैसे कि पावर पिकअप नहीं कर रहा था तो क्लच प्लेट चेंज करना था, बट लास्ट में ये हुआ कि सर्विस सेंटर वालों ने कुछ काम कर दिया, तो कुछ टाइम तक हम इससे काम चला सकते हैं। मतलब इसके बारे में ये कि ये बहुत आवाज़ कर रहा था, स्मूथ नहीं था और चेंज करना ही था, तो फिर चेंज कर दिए इसको भी, चेंज पॉकेट को। गाड़ी सर्विस हुई है, तो जितना टाइम गाड़ी को चलाने सर्विस करके बाद जितना चलाने का रहता है उतनी तो गाड़ी चली नहीं थी, बट टाइम उतना हो गया था कि आपको सर्विस कराना चाहिए, तो हमने सर्विस करा दी इसकी। तो ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर जो भी रहता है, इंजन ऑयल, कूलेंट चेंज हुआ है, और मुझे याद नहीं आगे पीछे दोनों के ब्रेक पैड चेंज हुए हैं। आगे वाला पीछे वाले से महंगा आता है, आगे वाला समथिंग कुछ 1600 का आता है, हम करेक्ट कर देना, मेरे को उतना अच्छे से पता नहीं, और पीछे वाला 300 का आता है, तो आगे वाला महंगा आता है। और दोनों के ब्रेक पैड्स चेंज हो गए हैं, और यहाँ से कुछ वाइब्रेशन की साउंड आ रही थी, शायद कहीं पर कुछ ढीला होने के, तो ये भी सही हो गया है। और एक मिरर हमारा टूट गया था, तो टूटे हुए मिरर के साथ क्यों चलाना, इसलिए ये भी चेंज कर दिया हमने। ये और ये दोनों का ये
ये दोनों का काम कराना बाकी है अभी भी, लेकिन नहीं कराएंगे क्योंकि पैसे का हम वेस्ट नहीं मतलब सेव करेंगे, उतना पैसा है नहीं, क्योंकि एक साइड लाइट 500 का आता है तो उसको हम वेरीक्विक से लगा के अभी भी काम चला सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो चेन की मैं बात कर रहा था, चेन ऐसा था कि चेन को चेंज करा देना चाहिए क्योंकि स्मूथ और आपको क्लच, और तीसरी चीज़ गियर में ज़्यादा पटकने की आवाज़ आ रही है, आपका चेन जाने वाला होगा तो चेन को चेंज करा लेना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि मेरे गियर चेंज करने में पहले जो अनस्मूथनेस थी, आवाज़ थी, वो ऑलमोस्ट ठीक हो गई है। क्लच में इशू आती थी वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, पिकअप अच्छा खासा बढ़ गया, और स्मूथनेस जो चेन की आवाज़ आती है रशनेस की जो पॉकेट ख़राब होने के बाद वो चेंज होगी। तो ये चीज़ मैं आपको टिप्स दूंगा कि गाड़ी का ख्याल रखो और दोनों बाइक एकदम सही है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो एकदम चंगा, एकदम बढ़िया, बस थोड़ा सा टैन हो गया हूँ इस गर्मी में। I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before. And I'm missing you so bad. Gone away, a month or more. Every show I go before. I need to hear that voice. Cause right now I feel like it's been so. What's the way, Gautam bhai? Sabhi koi kya? Kitna chahiye? Do. Kaam kar lo. जो भी है कपड़े पे कर लेना, मैं पहले इसको सुखा देता हूँ थोड़ा, बस अब हो गया। आगे वाला शायद तक नहीं होगा, नहीं उसको सैंड पेपर से घिसना पड़ेगा थोड़ा सा, पीछे वाला हो जाएगा। दो पूछ बाल है पीछे के उसके। नहीं वो चाबी उड़ा के गाड़ी आ जाएगा ना, एक ही बार उड़ाना रे, बोल तो मैं कैच पकड़ने आता हूँ। 1 2 3 तो बस अब आज के लिए इतना ही नहीं, कुछ देखते हैं अभी यार क्या करना है आगे। और ये यार पिंपल एक जिम से आने के बाद अच्छे से मुंह ना धोया, आधा घंटा छोड़ दिया तो ये सारे पिंपल्स, वरना मेरे को आते नहीं है। तो देखो ये कब जाएंगे वापस, पिंपल दिखा रहा हूँ मैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे फोटोज़ लाइव अपडेट इसके रील्स सब देखने को मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। हाँ तो पिछले साल हर किसी ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को सेट किया रहेगा, हर किसी ने कोशिश की होगी, बट ऐसा नहीं कि हर कोई उसमें सक्सेसफुल हुआ। कुछ लोग ने अपने सारे गोल्स को कंप्लीट की होगी, कुछ लोग ने कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ लोग ने आधा कंप्लीट किया होगा तो नहीं किया, बट कोशिश इंपॉर्टेंट है, कोशिश की थी कि नहीं। मैंने भी पिछले साल कुछ रूल सेट किए थे ये साल के लिए, उसमें से 2 रूल नहीं कंप्लीट हो पाया, मैं एकदम खुशी खुशी बता रहा हूँ। उसमें से पहली चीज़ थी एक तो स्टडी, जो हमने सोचा था कि रिविजन घर पर बैठ के हम देंगे, जो चीज़ हो नहीं पाई, ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन हो गया, लॉकडाउन हो गया उसके चलते। और दूसरी कि एक महीने में मिनिमम 6 व्लॉग्स और मैक्सिमम 8 व्लॉग्स का इसका टारगेट रखा था, बट वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। बट हमने स्टार्टिंग के 3 महीने में दोनों ही चीज़ पे कोशिश की थी, बट एंड पे खत्म हो गया। तो इस साल भी नया रेजोल्यूशन को सेट किया गया, बट उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो फ्यूचर प्लान्स होता है जब तक उस पर आप एग्जीक्यूट ना कर पाओ किसी के साथ डिस्कस मत करो। तो ये साल वो वाला रूल को फॉलो करेंगे कि उसमें रूल्स में आते हैं कि कुछ चीज़ जैसे कि वो चीज़ जब प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगी हम उसमें वो कर देंगे तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, पहले की चीज़ें भी आई है इसमें, काफ़ी नई चीज़ें भी आई है, और एक नई चीज़ ऐड हुई है फिटनेस, जो ये साल हमने काफ़ी पिछले साल के कुछ मिनट से मैंने काफ़ी अच्छा से ध्यान दिया, और ये साल के आगे तक हमेशा ध्यान देते रहेंगे इस चीज़ में। और इसमें ये भी आता है आज जो काम कर रहा था वो तो हो नहीं पाया, तो अभी मेरा लुकआउट है, उसको शायद क्लीन करना है, मॉइस्चर रहना। और मैं बता रहा था कि मैंने नया पेन ड्राइव लिया था, इसका अनबॉक्सिंग करना था मुझे, और उस चीज़ तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था अपने कंप्यूटर के बारे में जिसमें हम पहले एडिट करते थे, उसको कुछ तो काम ठीक करना था मेरे को, वो काम हो नहीं पाया तो उसी पर डिस्कस कर रहे थे। मैं यूज़ करना था मेरा सैंडिस्क का 16 GB का पेन ड्राइव, पहले वाला पेन ड्राइव है बट उसमें मेरी काम की चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, इफ यू लाइक इट गो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब शेयर कमेंट, खुशियाँ बांटने से बढ़ती खुशियाँ बाड़ो, खुश रहो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, थैंक यू, बाय।
नहीं है।